मॉन्स्टर बन गया? ये मॉन्स्टर नहीं है, ये एक एलियन है। मतलब जरा देखो इसे, ये और क्या हो सकता है। पर मैं हमेशा के लिए आग वाला नहीं बनना चाहता, वरना इस साल मैं फुटबॉल कैसे खेल पाऊंगा अगर हर बार बॉल मेरे पास आते ही जल जाए। घबराओ मत बेन, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं फिर मैं बन गया। ओफ, जब तुम अंगारे थे तब मुझे ज्यादा पसंद थे। ये चीज अब भी नहीं निकल रही। अब इसे छेड़ो मत जब तक हमें पता ना चले कि ये आखिर है क्या। मैं वो क्रैश वाली जगह देख कर आता हूँ। देखो मेरे लौटने तक तुम लोग यही रहना। ये वाला क्या करेगा? पकड़ लिया। बढ़िया जोक था, तुम्हारे चेहरे की तरह। ग्रैंडपा ने कहा था ना इस चीज को मत छेड़ो। हाँ तो तुम कहना क्या चाहती हो? बचपन में सर के बल गिर गए थे क्या? कम ऑन, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि ये चीज और क्या क्या कर सकती है? ग्वेन, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम सचमुच मेरी ही कजन हो ना? मुझे ये जरा भी ठीक नहीं लग रहा। देखो अगर मैं इसको समझ सका तो शायद मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, मतलब सचमुच की मदद, बिना चीजों को मतलब और बिगाड़े। तो बताओ इस तरह एलियन बनकर तुम्हें कैसा महसूस हुआ? पहले तो मैं डर गया था, लगा जैसे ये मैं ही हूँ, मगर साथ ही साथ मैं कोई और भी हूँ। हे, शायद मैं समझ गया कि मैंने कैसे किया था। मैं ये फिर से ट्राई करूँ बस एक बार? मुझे नहीं पता। तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं बुद्धू। ये चीज तो तुम्हारे असली रूप से भी ज्यादा बदसूरत है। वाह वाह, इस डॉगी के गले में पट्टा डालो। आंखें भी नहीं है, ये किस काम का जो देख भी नहीं सकता। ओके, तो ये इतना भी बड़ा लूजर नहीं है। एक बुराई है, सांस की बदबू। बेन, यहाँ वापस आओ। बेन, मैं ग्रैंडपा को बता दूंगी कि तुम उनके मना करने के बावजूद एक डरावने मॉन्स्टर बन गए और उछलते हुए जंगल में चले गए। ये दिन वाकई बहुत अजीब है। पर तुम्हें देखकर मुझे वाकई खुशी हुई। मुझे डर था कि तुम्हारी कलाई पर वो चीज लोगों का ध्यान खींच लेगी, इसीलिए मैंने कहा था उसे छेड़ना मत जब तक हमें पता ना चले कि ये है क्या। सॉरी ग्रैंडपा, पर कम से कम मैंने इसे इस्तेमाल करना तो सीख लिया। मुझे बस ये बटन दबाना है, फिर रिंग ऊपर आने पर उसे तब तक घुमाना है जब तक मुझे वो ना दिखे जो मुझे बनना है। फिर बटन दबाते ही मैजिक, मैं उन 10 सुपर कूल एलियंस में से एक बनूंगा। क्यों ना तुम एक सुपर कूल एलियन ही बने रहो और दोबारा बेवकूफ जैसी शक्ल वाले बेन ना बनो। एक्चुअली मैंने इस बारे में अब तक पता नहीं किया। तुम्हारी कलाई पर बंधी ये घड़ी इतनी ताकतवर है कि तुम्हें इसके बारे में सब कुछ जल्दी सीखना होगा, जल्दी। ऑलराइट। मुसीबत मुसीबत, कोई हमारी मदद करो। मैं जानता हूँ आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, मगर हम पर किसी तरह के रोबो ने हमला किया है। ये वही होंगे जिन्होंने मुझ पर अटैक किया था, शायद वो इस वॉच के पीछे हैं। वो लोग मेरी वजह से मुसीबत में हैं। शायद मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। तुम इस मामले में क्या करोगे टेनिसन?
इनी मीनी माइनी ये देखो। तो ये वाला क्या कर सकता है? पता नहीं, मगर ये जरूर बहुत कूल होगा। लगता है इस बार पापा रोबो आए हैं। मैं इसका ध्यान बटाता हूँ। आप लोग कैंपस को सेफ जगह ले जाइए। छोड़ दो उन्हें। तुम किसी पर हमला करना चाहते हो ना? तो मुझ पर करो। शायद मैं मुसीबत में हूँ। यहाँ पर क्या चल रहा है? अगर मैं बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे। अब चलिए। डायमंड हेडेड आदमी। ओ हाँ, मेरा जवाब नहीं। लगता है यहाँ मेरा काम हो गया। वो आदमी कौन था? नाकामी, यकीन नहीं होता। वो मामूली सा पृथ्वीवासी उस ओमनीट्रिक्स को मेरे हाथ आने नहीं दे रहा। जल्द ही उसका सर मेरी दीवार पर टंगेगा। बेन कहाँ है? मैंने उसे ब्रेकफास्ट के बाद नहीं देखा। बेन? सही पहचाना ग्रैंडपा। अब जरा ये देखिए। काफी तेज है ना? मुझे लगता है ये मेरा बेस्ट समय साबित होगा। इसमें कोई शक नहीं। ये जरूर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वैसे तुम आखिर गए कहाँ थे? हमारा असली वेकेशन शुरू होने से पहले मुझे कुछ चीजें ठीक करनी थी। दोस्त, हम यहाँ ऊपर कैसे पहुँच गए? कुछ समझ में नहीं आता, सब बहुत जल्दी हो गया। ए, कोई है? कोई तो रुकिए, जरा हमारी मदद कीजिए प्लीज।